Agrawal and respected professors from different courses. We also have NSS Unit Program Officer Madam Dr. Ruby Mishra, Program Coordinators Jagpal Sir and Alok Sir. I profoundly welcome everyone in the event. I hope that the session is going to be very informative and purposeful. We try to accommodate as many people as we can do on the Google Meet platform, and along with this, we are running live on the YouTube channel as well for the rest of the public. Now, before we formally start with the event, we have a very melodious and rhythmic presentation from one of our NSS volunteers. I request Saurabh to kindly begin with his presentation. Saurabh, over to you. Thank you, Saurabh. I think he was facing some network glitches. Anyway, it was very lovely presentation. And before I proceed further, let me brief you about the format of this webinar. From here onwards, we are having inaugural speech, then a 40-minute guest lecture, followed by a 20-minute Q&A session. Attendees can put their question in the chat box here, which will be addressed by our guest speaker, sir, by the end. And since we are going live on the YouTube channel, I would request the organizer panel to keep a close watch on the queries coming on the YouTube as well. Now, to welcome the guest speaker for the session, Professor Ramesh Bharadwaj sir, I request the program officer of of NSS unit, Dr. Ruby Mishra ma'am, to please address the people present here and extend her warm greetings. बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक. यू आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट योर सेल्फ. हाँ, वो थोड़ा दिस इज़ अ प्रॉब्लम विथ जी मीट, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है. ओके, एनीवेज आप सभी यहाँ उपस्थित कुछ मतलब आज चर्चा है हमारी, ये हम चर्चाएं तो एनएसएस प्रोग्राम के तहत करते आ रहे हैं, लेकिन आज एक हमारी विशेष चर्चा है जो कि जिसका आज कहते हैं कि दूसरा भाग है. एक प्रथम भाग जिससे हमने एनएसएस के जो हमारे ये वेबिनार्स हैं उसकी शुरुआत करी थी, लेक्चर सीरीज की शुरुआत करी थी, और आज आठवां लेक्चर सीरीज है जिसमें आज ये दूसरा भाग है, जिसमें आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसके तहत हम आज चर्चा करेंगे. और कहीं ना कहीं जब हमने पहले चर्चा करी थी तो उसमें हमने उसको नई शिक्षा नीति का एक नाम दिया था, जिसको अब अलग से रख के हम इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं 2020. तो आज मेरा कुछ भी कहने का नहीं है संदर्भ, बस मैं एनएसएस के माध्यम से अपने प्राचार्य डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और हमारा साथ देते हैं जब भी हम कोई भी इस तरह के एक प्रपोजल लेकर आते हैं. साथ में मेरे विद्यार्थी हैं, ये हम लोगों का जिसको कहते हैं कि एक पूरा एक टीम है.
तो यहाँ हर कोई दीक्षा है और हर कोई हमारा ये पूरी टीम है जो ये काम कर रही है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि हम एज ए एनएसएस टीम मात्र 2 महीने में जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंट हो गए हैं। अगर इस जी मीट में शायद वो सुविधा भी थोड़ी सी होती तो ये थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस भी जो होती वो भी नहीं रहती। जहां तक आज की टॉक की बात है, हम राष्ट्र शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं 2020। उस राष्ट्र शिक्षा नीति में गांधीयन थॉट्स क्या थे, क्योंकि गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं और बहुत अच्छी हमने उनकी जयंती 2 तारीख को हमने मनाई थी। और जो पहला हमारा विषय था उसमें भारत की अवधारणा के विषय में बात थी, और आज जो हमारी चर्चा है उस चर्चा में ये हम जरूर हमारे जो हमारे हेड हैं हु इज नन अदर देन, और मैं बिल्कुल आज हमारे जो हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे प्रतिभागी मेरे सहयोगी विशेष रूप से कह रहे हैं कि हिंदी में चर्चा कीजिए। गांधी जी ने 1928 और इसको बहुत अच्छे से अभी समझाएंगे हमारे जो उपस्थित जो हमारे वक्तागण हैं, लेकिन गांधी जी ने इसको बहुत समय पहले वर्धा में एक शिक्षा नीति के तहत एक तालीम करके जो मैंने थोड़ा सा पाया उसके बारे में घोषणा की थी। तो ये शिक्षा नीति कोई नई शिक्षा नीति नहीं है, लेकिन ये जरूर हम जानना चाहेंगे कि इतना समय हमें इसको लग गया तो, और लगने के बाद भी क्या इसका जो वाकई जो हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है जो पटल पे लाना क्या बहुत आसान रहेगा। और साथ में जो गांधी जी कहते थे कि अपनी जो जो स्वदेशी भाषा है, आत्मनिर्भरता है, इन सब की मेरे को लगता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं शुरुआत उन्हीं से उस वक्त जो कहते हैं कि पराधीन भारत में हुई थी। तो इन सभी को लेते हुए आज की हमारी चर्चा रहेगी जो कि एक हमारी और सारी गतिविधियों में ये अगली हमारी चर्चा है। तो इसमें हम लोग हमारे जो वक्तागण हैं प्रोफेसर रमेश भरद्वाज जी, उनसे हम जानना चाहेंगे। तो मैं आज ज्यादा नहीं कहूंगी, आप सभी का, सभी प्रतिभागियों का जो हमारे एनएसएस के जो सेंटर से जुड़े हुए उन सभी का और हमारे जो देशबंधु महाविद्यालय से जुड़े हैं सबका मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हृतिक, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। एनएसएस यूनिट इज वेरी ऑनर्ड टू हैव ऑनरेबल प्रिंसिपल सर इन द इवेंट आफ्टर थैंकिंग हिम फॉर हिज लव एंड सपोर्ट दैट ही हैज फॉर अस सो फार। आई वुड रिक्वेस्ट हिम फॉर द इनॉग्रल स्पीच, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे इस वेबिनार के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रमेश सी भारद्वाज जी, हमारी पूरी एनएसएस टीम, आज के ऑर्गेनाइजर हमारी संयोजक डॉक्टर रूबी मिश्रा, डिफरेंट प्रतिभागी जो अलग अलग कॉलेजेस से है, पूरे देश से हैं, आप सभी का मैं देशबंधु कॉलेज, हमारी आईक्यूएसी और एनएसएस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस लेक्चर सीरीज में जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और गांधी जी के विचार, उस पर आयोजित की गई है। इससे पहले भी हमने 2 अक्टूबर को एक गांधी जी के ऊपर प्रोग्राम रखा था, उस पर हमने, जैसे रूबी जी ने बताया प्रोफेसर हीरामन तिवारी उसमें हमारे मुख्य वक्ता थे, और उन्होंने एक बात कही कि गांधी जी एक ऐसे शख्स है हिंदुस्तान में, और शायद हम माने तो पूरे विश्व के अंदर भी, हम हिंदुस्तानी तो सब जानते ही है, विश्व के सभी लोग उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जानते हैं। मैं हिंदुस्तान के बाहर जाता हूँ तो भी वो गांधी जी के बारे में ही पूछते हैं। तो गांधी जिस तरीके से हमारे अंदर बसे हुए हैं, हम सभी उनके बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज का जो विषय हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और गांधी जी के विचार, ये इंटरेस्टिंग भी है, मैं खुद भी उसमें वक्ता बनना चाहूंगा। गांधी जी के बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरे हिसाब से वो वर्ल्ड के, मतलब ही इज द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड, वो जानते थे कि लोगों को संगठित कैसे किया जाए, लोगों के दर्द को अपना मानते थे। जब उन्होंने देखा मैसूर की अपनी यात्रा में कि लोगों के पास कपड़ा नहीं है, लोगों ने कहा कि खादी बहुत महंगा होता है, जब तक वो चरखे के बारे में बता चुके थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने प्रण लिया कि एक लंगोट नुमा धोती में ही वो पूरी उम्र रहेंगे, और उन्होंने उसका पालन किया।
खाली ये बताने के लिए कि हमें जितना जरूरत हो उतना ही हमें करना चाहिए। देश हमारा अभी इतना सक्षम नहीं है कि हम कपड़ा भी हमारे पास सभी के लिए हो, चाहे टॉयलेट्स की बात उन्होंने की, टॉयलेट्स को साफ करने की बात की उन्होंने, चाहे क्लिनलीनेस की बात की, तो वो हर चीज के अंदर अपने जो मैनेजरियल गुण होते थे वो उससे पूरे देश को संगठित करते थे, चाहे दांडी यात्रा हो। और हमेशा वो एक बात कहते थे कि भारत का जो दिल है, भारत की तरक्की, भारत की उन्नति जब ही हो सकती है जब गांवों की उन्नति हो। शायद इसीलिए आज के हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने पहले एलपीजी का लेके आए हमारे गांवों में दूर दूर तक पहुंचाने के लिए, बाद में टॉयलेट्स का वो लेके आए विचार, और अब नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति में भी जितना मैंने पढ़ा है मुझे लगता है कि हमारे गांव तक शिक्षा नीति, जो सबसे नीचे तबका है, सबसे गरीब तबका है, वहां तक हमारे शिक्षा के, नई शिक्षा नीति हमारी उसमें बहुत जिसको प्रभावी रहेगी, यूजफुल रहेगी। बाकी मैंने कहा कि आज के जब ये टॉपिक आया तो रूबी जी ने कहा कि कौन हो सकते हैं इस पे, रमेश जी से मेरा मिलना एक या दो बार ही हुआ, प्रभावित किया इन्होंने बहुत ज़्यादा, गांधी भवन के वो हमारे डायरेक्टर भी हैं, तो मैंने कहा आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि इसके ऊपर सबसे अच्छा जो बोल सकते हैं, हम सबको जो प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, रमेश जी कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। आज के कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रूबी मिश्रा, हमारे आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर जगपाल, डॉक्टर आलोक, ब्रजमोहन जी, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आपने इतना अच्छा ये वेबिनार आज का आयोजित किया। हमारी पूरी एनएसएस टीम को, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बेस्ट एनएसएस टीम हमारी है, तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं खुद वक्ता बनना चाहूंगा। थोड़ा जल्दी मैं शायद छोड़ दूं क्योंकि एक हमारी एडमिशन कमेटी की मीटिंग है आज यूनिवर्सिटी में, तो कोशिश करूंगा मैं पूरा सुनूं लेकिन थोड़ा मुझे जल्दी छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट वी हैव आशुतोष सर फ्रॉम हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ देशबंधु कॉलेज, हु हैज स्पेशलाइजेशन इन हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी, टू प्लीज इंट्रोड्यूस द स्पीकर सर। आशुतोष जी का नाम लेना भूल गया, आज के मेन तो ऑर्गेनाइजर आशुतोष जी। आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आशुतोष सर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक ऑन द वेबिनार फ्रॉम हियर। जी जी, थैंक यू। यहाँ पर इस वेबिनार में मौजूद सभी, हम सब श्रोतागण ही कहेंगे, आज हम सब श्रोतागण ही आज, और एक ऐसे शख्स को हम शख्स इसलिए कह रहे हैं कि रमेश जी से हमारा पर्सनल इंटरेक्शन भी थोड़े समय के लिए रहा है मोतीलाल नेहरू कॉलेज में, जब मैं एज ए गेस्ट लेक्चर पढ़ाया करता था तो वहाँ वो प्रोफेसर थे मोतीलाल में, तो इनसे हमारा एक रास्ता रहा है और मैं इनसे बहुत, इनके शख्स से, इनकी शख्सियत से और इनके एकेडमिक जो लाइन है इनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ शुरू से, पिछले 15-20 साल से तो मैं इनको जानता हूँ, तो एक मेरा रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रमेश सर कि आपने एक फ़ोन कॉल पर आपने हमारा जो इन्विटेशन है वो स्वीकार किया आपने। खैर, धन्यवाद प्रिंसिपल सर फॉर ऑल काइंड सपोर्ट एंड एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन अस। जो रमेश चंद्र जी, रमेश भारद्वाज जी हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, इनकी प्रशंसा के शब्द तो बहुत हैं, मैंने बहुत शॉर्टली इनके लिए, इनके बारे में हमने तैयार किया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके 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 साथ थोड़ा सा हमने थोड़ा सा सीखा है हमने इनसे मोतीलाल नेहरू कॉलेज में। प्रोफेसर भारद्वाज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए, एमफिल और पीएचडी की उपाधि ग्रहण की और पिछले 34 साल से इसी विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। प्रोफेसर भारद्वाज का संस्कृत भाषा और भारतीय दर्शन में अमूल्य योगदान रहा है, मैं इन योगदानों की चर्चा यहाँ करूँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। इनके योगदान को पूरे हिंदुस्तान में और बाहर भी सराहा गया है, इन्हें विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है।
जिसमें प्रमुख है दिल्ली संस्कृत अकादमी द्वारा 2014 में संस्कृत विद्या मार्तंड पुरस्कार, 2014 में ही हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत सेवा पुरस्कार, और केंद्रीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा 2015 में इनको विद्यानंद सरस्वती वैदिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर भारद्वाज जी, संस्कृत के अलावा अवेस्ता, गुजराती, बोडो, मराठी और जापानी भाषा के ऊपर भी अच्छी पकड़ है इनकी, ये मुझे पता है, आप लोगों नहीं पता हो बट मुझे पता है, बहुत अच्छे भाषाविद है ये, इनकी भाषा पर इनकी पकड़ बहुत जबरदस्त है। इनके शोध कार्य और अध्ययन के अलावा इन्होंने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न समितियों के अध्यक्ष रहे हैं और सदस्य रहे हैं और हैं। इनकी लिस्ट काफी लंबी है, हम उनका लिस्ट उनको हम सुनने सुनना पसंद करेंगे ज्यादा। इनका प्रशासनिक अनुभव भी बहुत लंबा रहा है, अभी ये गांधी भवन के मानद निर्देशक हैं, ऑनरेडी डायरेक्टर हैं और संस्कृत विभाग के हेड भी हैं अभी, और गांधी के विचारों पर आधारित एक मासिक पत्रिका निकलती है मंगल प्रभात जिसके वे संपादक हैं। तो बिना किसी और लपेट के, लाग लपेट के, हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक समय हम भारद्वाज जी को सुनने में लगाएं। प्रोफेसर भारद्वाज सर, एनएसएस यूनिट और समस्त देश बंधु कॉलेज परिवार की तरफ से हम आपका आज के प्रमुख वक्ता के रूप में आपका स्वागत करते हैं, और ओवर टू यू भारद्वाज सर, रमेश भारद्वाज सर। ओम नमस्कार सर। माननीय प्राचार्य महोदय अग्रवाल जी, बहन रूबी जी एवं साथियों, मैं कृतज्ञ हूँ देशबंधु महाविद्यालय के साथियों का, जिन्होंने एक ऐसे विषय पर मुझे बोलने के लिए कहा है जो विषय मेरी रूह के बहुत नजदीक है। यानी पिछले 40 साल से राजघाट पे बैठे बैठे पूरे देश में घूमते हुए हम इस शिक्षा नीति को कोसते रहे हैं कि ये क्या शिक्षा नीति है जो इस हिंदुस्तान के गरीबों पर बोझ बनके हमारे देश की 95% आबादी का शोषण कर रही है। बहुत ज्यादा आलोचना करते करते हमने इस राधा कृष्णन कमीशन से लेके कोठारी कमीशन, रामूर्ति कमेटी, यानी कितने मतलब कमीशन्स और कमेटीज बनी, पर ये सारी कमेटीज, ये सारे शिक्षा नीति के निर्देशक तत्व को देने वाले जितने भी ये तत्व हमारे सामने आए, तथ्य आए देश के सामने, वो मूलतः भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करने वाले हैं। कारण क्या है? एक हम आज की परिस्थिति देखें, हजारों साल की गुलामी के बाद 47 में देश आजाद होता है और आज देश को आजाद हुए 73 साल हो गए। हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी क्योंकि जो शिक्षा है उसका सीधा संबंध एक नए समाज के निर्माण से है। जैसी शिक्षा होगी वैसा ही हमारा भविष्य का समाज निर्मित होगा। इन सारे आज तक हम लोग मैकाले मैकाले को गाली देते हुए थकते नहीं है, मगर क्या हम ये कह सकते हैं कि पिछले 73 सालों में जितने भी आयोग बने, जितनी भी शिक्षा नीति बनी, क्या उन्होंने हिंदुस्तान के विषय को एड्रेस किया? अब यहां पर आपके विषय के दो टुकड़े कर लेते हैं।
पहला गांधी का विचार, गांधी क्या है? महादेवी वर्मा के शब्दों में, भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का विचार गांधी का विचार है। यानी कि पिछले हजारों लाखों सालों में ये हिंदुस्तान अपनी सभ्यता संस्कृति की जो अक्षुण्ण यात्रा करता आ रहा है, वो भारत, उसने जो मानव जीवन के विविध आयामों को, विभिन्न विषयों को एड्रेस करने के लिए जो समाधान दिए, वो है हमारे सांस्कृतिक मूल्य। चाहे हमारी सामाजिक परिस्थितियां कैसे होंगी, हमारी आर्थिक नीतियां क्या होंगी, हमारी औद्योगिक प्रगति की नीति क्या होगी, हमारे ज्ञान विज्ञान की धाराएं कैसे विकसित होंगी, इन सब विषयों को लेकर भारतीय समाज ने पिछले हजारों लाखों सालों में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत सुंदर सुंदर अच्छे आदर्श विचार, दिशा हमारे राष्ट्र के सामने प्रस्तुत की। गांधी वो जो कुछ हमारी भारतीय संस्कृति के द्वारा हमको अच्छा अच्छा दिया गया है, उन सब की पुनः स्थापना करने वाले आचार्य। 18वीं सदी के बाद जो राष्ट्रीय पुनर्जागरण का काल प्रारंभ हुआ, राजा राममोहन राय से लेकर केशव चंद सेन भी आए, देवेंद्रनाथ ठाकुर भी आए, रामकृष्ण परमहंस भी आए, विवेकानंद भी आए, रविन्द्रनाथ टैगोर भी आए, बंकिम चंद्र चटर्जी भी आए, इस रेनेसा के पीरियड में तिलक भी आए और फिर महात्मा गांधी भी आए। मगर इस पूरे पुनर्जागरण काल के अंदर एक विवेकानंद व्यक्ति ऐसा महापुरुष हुआ जिसने हिंदुस्तान की आत्मा को सही रूप में पहचाना, और पहचाना ही नहीं बल्कि उसने अपने बाद के जितने भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेता या आचार्य थे, उन सबको उन्होंने न केवल प्रेरित किया बल्कि उनको चिंतन का आधार दिया। गांधी जी विवेकानंद के उस भारतीय संदर्भों को लेकर अपने राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के सिद्धांत को लिख के चलते हैं। गांधी जी ने शिक्षा के अंदर अपने साउथ अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम से लेकर और सेवाग्राम आश्रम, बीच में साबरमती आश्रम भी आया, अहमदाबाद भी आया, सब जगह गांधी जी ने विभिन्न प्रयोग किए। और गांधी जी के शिक्षा संबंधी प्रयोगों का जो अंतिम परिणाम निकला, वो निकला उनके द्वारा 1923-24 में अहमदाबाद में स्थापित गुजरात विद्यापीठ। गांधी जी ने जब वह गुजरात विद्यापीठ स्थापना की तो उस समय उन्होंने रामदास कॉलेज के, उस समय के एक सिंधी प्रोफेसर थे प्रिंसिपल साहब, उनको रामदास कॉलेज से वो वहां ले गए, वीसी बनाया। फिर आचार्य कृपलानी को उन्होंने वीसी बनाया और सब लोग लगे उसको अंग्रेजी पद्धति का या वेस्टर्न मॉडल का हार्वर्ड बनाने का। गांधी जी ने उन सबको अलग अलग क्षेत्रों में वापस भेजा और काका साहब कालेलकर जो मेरे आचार्य हैं उनको उन्होंने वहां का कुलपति बनाया। और उन्होंने कहा कि तुमने मेरे साथ 1915 से तो मेरे आश्रम के शिक्षा के प्रयोगों को देख रहे हो, तो इसमें एक वैकल्पिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था का आदर्श प्रस्तुत करो। गुजरात विद्यापीठ आज भी चलती है अहमदाबाद में। उस गुजरात विद्यापीठ में क्या करते हैं, उसका माध्यम गुजराती भाषा है। अंग्रेजी हिंदी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं मगर पूरी तरह से मातृभाषा गुजरात की जो है उसको उसको माध्यम बनाया। वहां पर जितने विषयों में ग्रेजुएट्स या रिसर्च की जाती है उनका संदर्भ है कि गुजरात या भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जो जनता है उस जनता के सामाजिक और आर्थिक विकास को करने के लिए सहायक ग्रेजुएट्स हमको देश के सामने प्रस्तुत करने। आज गुजरात बहुत विकसित राज्य है, उसका कारण यह है कि गुजरात विद्यापीठ के जो ग्राम सेवक स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट्स या जो रिसर्चर्स जो उन्होंने वहां से पीएचडी की है, उनका विषय यही है कि गांव के लोगों की जो कृषि संबंधी टेक्निक्स है उसको आधुनिक टेक्निक के साथ और संबल बना के आगे ले जाना है। गांवों के पशुपालन वाला जो क्षेत्र है उसमें पशुपालन में जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान की टेक्निक है वो उन गांव के लोगों को उन ग्रेजुएट्स के माध्यम से पहुंचाना। उस गांव में जो ग्रामोद्योग लघु उद्योग खड़े करने हैं
उनके लिए वो ग्रेजुएट जो है अपने गांव के लिए एक नीति या एक पूरा संरचना प्रस्तुत करते हैं। यानी इस गांधी के प्रयोग से, देखिए जो गांधी जी ने मेरे सपनों के भारत में उन्होंने बेसिक एजुकेशन के ऊपर जो लिखा, वो सब विषय शास्त्रीय अपनी अपनी जगह है, मगर हम लोग गांधीयंस में एक ट्रेनिंग हमें दी जाती है कि कोई भी विचार जब तक व्यवहारिक पक्ष में उसकी सफलता या असफलता को हम एक्सपेरिमेंट ना कर लें, तब तक उसको हम विचार के रूप में समाज के सामने नहीं रखते। तो मेरी दृष्टि में हम गांधी जी की बेसिक एजुकेशन फिलोसफी को देखें, जहां वो भारतीय नागरिक बच्चे का शरीर मन बुद्धि आत्मा चारों का विकास करके, उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करके, उसको एक आदर्श नागरिक देश के सामने बनाना चाहती है, वो बेसिक एजुकेशन की फिलोसफी अच्छी है। मगर गांधी जी ने यह अनुभव किया कि पिछले हजारों साल की गुलामी में और खास करके 100-200 साल के अंदर अंग्रेजों ने जिस तरह से जो इंडियन सोसाइटी में इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम के बेस पर जो समाज चल रहा था, उस पूरी व्यवस्था का उन्होंने नाश करके और हिंदुस्तान के आबादी को अपना बाजार बना दिया। उन्होंने कानून बना बना के यहाँ नमक नहीं बनेगा, यहाँ ये टेक्निक नहीं बनेगी, यहाँ ये कपड़ा नहीं बनेगा, यहाँ ये उद्योग नहीं बनेगा। उन्होंने बहुत प्लान करके जो हमारी हजारों साल से चली आ रही भारतीय विकेंद्रित अर्थव्यवस्था या उद्योग व्यवस्था थी, उसको उन्होंने सुनियोजित रूप से नष्ट किया। इसी को पहली बार दादाभाई नौरोजी ने पहचाना था कि हिंदुस्तान की गरीबी का कारण क्या है, और नौरोजी के बाद गांधी ने इस बात को कहा। और जब प्रेमचंद अपने सूरदास के माध्यम से अपने उपन्यास में कहता है कि आत्मा मर जाएगी, तो गांधी ने भी शब्द का बारबार प्रयोग किया कि भारत की जो आत्मा है वो है भारतीय समाज की जो इंडिजीनियस परंपरागत ज्ञान विज्ञान की परंपरा। अगर ये ज्ञान विज्ञान की परंपरा है क्या? आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया रहा है, यानी कम से कम आप 600 बीसी में देखेंगे तो सिकंदर ने हमला किया, 150 बीसी के बाद जो है कुषाण शक हूण मुगल पठान तुर्क इन सब लोगों ने भारत के ऊपर हमला किया, तो क्या सोच के किया था कि ये सोने की चिड़िया है, इसको लूटने के लिए चलते हैं। यानी जो हिंदुस्तान का समाज पिछले हजारों लाखों सालों में सोने की चिड़िया बनकर के पूरी दुनिया के सामने एक विकसित राष्ट्र का मॉडल था, वो अंग्रेजों के या गुलामी के समय में धीरे धीरे नष्ट हो गया। और मध्यकाल के अंदर भारतीय समाज की जो सामाजिक स्थिति हुई, जहां पर समाज के जो दो प्रमुख अंग हैं, पहला अंग है इंडियन सोसाइटी का आर्टिजन सेक्शन। हमारे यहाँ जो भारत में जातियां हैं, वो सारी की सारी जातियां जो है वो किसी ना किसी तकनीकी ज्ञान पर आधारित है। यानी यहाँ कुम्हार है, चर्मकार है, लोहार है, सुवर्णकार है, यानी जितनी भी पिछले हजारों सालों में भारतीय समाज ने तकनीकी ज्ञान विज्ञान का नई खोज करी और उस खोज के आधार पर जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर चलता रहा फैमिली टू फैमिली, वो हमारा जाति का कॉन्सेप्ट। तो मध्यकाल के अंदर वो जो आर्टिजन थे विदेशी शासकों के समय में, राज्य के आश्रय के अभाव में वो पूरी तरह से नष्ट होते चले गए, और उनकी गरीबी की वजह से इस हिंदुस्तान के जो उच्च तथा कथित जो ऊंची जात के नीच लोग हैं, उन लोगों ने उस समाज के हिस्से को दलित अछूत अस्पृश्य बना दिया। दूसरा, समाज की जो 50% पॉपुलेशन महिलाओं की है, हमारी जो वैदिक परंपरा में वेदों की रचयिता ऋषिकाएं हुई, उपनिषदों की महान फिलोसफर्स महिलाएं हुई, ऐसा समाज उस समाज ने अपने धर्मशास्त्र ग्रंथों के माध्यम से स्मृति ग्रंथों में नए नए निक्षेप करके विक्षेप करके एक ऐसी व्यवस्था दी जहां महिलाओं की समाज की प्रगति में, यानी समाज का जो बहुजन समाज है, जो आर्टिजन है, कारीगर है, उनका और जो परिवार को बनाने वाली जो संस्था है वो महिलाओं के आधार पर चलती है। इन दो पक्षों की जिस तरह से मध्यकाल के बाद के भारत में एक विषम परिस्थितियों में दम घोटू माहौल पैदा कर दिया गया, और जो हिंदुस्तानी समाज को न केवल ऊंच नीच में जात पात में बांटा, बल्कि उसने हिंदू धर्म की महानता पर भी कलंक लगाया। दूसरी तरफ गांधी जी ये पाते हैं
कि ये जो भारतीय समाज है 1909 में गांधी ने हिंद स्वराज लिखा, और हिंद स्वराज में गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो पश्चिमी सभ्यता है यानी पश्चिमी विकास का मॉडल है, ये शैतानी है, राक्षसी है, क्योंकि ये मनुष्य को एक पूरी तरह से टॉर्चर करने वाला, एक्सप्लॉइट करने वाला, अनइक्वलिटी पैदा करने वाला, समाज के ध्वंस को करने वाला है, जिसका कि भविष्य बहुत अंधकारमय है। और वहां गांधी ही भारतीय समाज को कहते हैं कि भारतीय समाज के हिंदुओं, ये जो भारतीय हिंदू संस्कृति है, ये चाहे कितनी गिरी पड़ी हुए आज भी अंग्रेजों के जमाने में, फिर भी इस हिंदू सभ्यता के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। यानी गांधी भारतीय समाज के अस्तित्व को, उसके अस्मिता बोध को जगाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं अगर भारतीय समाज पश्चिमी विकास के मॉडल पे चलेगा, पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण करेगा, तो ये भारतीय समाज समाप्त हो जाएगा। और इस भारतीय समाज को समाप्त नहीं होना है, क्योंकि पूरी दुनिया को एक आदर्श भारतीय समाज को, आदर्श स्थिति में जाकर के पूरी दुनिया को एक संदेश देना है जिससे संपूर्ण मानव जाति का कल्याण होगा। अब दूसरा ये विषय आ गया, यानी आप कोई भी शिक्षा नीति बनाते हैं, क्योंकि शिक्षा एक, मैंने शुरू में कहा, शिक्षा एक ऐसा साधन है जो समाज का विध्वंस भी करता है और समाज का निर्माण भी करता है, उसकी प्रगति भी करता है और उसकी भविष्य की बहुत उज्जवल दिशा को तय भी करता है। हमने 73 साल में देख लिया कि हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंदर आपने 3 काम नहीं किए। पहला काम आपने नहीं किया वो ये कि आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा नीति है, उसमें भारतीय सामाजिक संदर्भों का पूरी तरह से अभाव है। आज निर्भया कांड, हाथरस कांड और घर घर में, गली गली में होने वाले ये जो भयंकर स्त्री को, जहां गांधी ने बहुत पहले 1944 और 1948 में गांधी ने लिखा कि इंडियन सोसाइटी को रीजनरेट करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स लेने हैं, रचनात्मक कार्यक्रम लेने हैं, उनमें पहला एक विषय जो है कौमी एकता था, शिक्षा था, सब था, उसमें स्त्री का एक विषय था। उस स्त्री के विषय में क्या था कि भारतीय समाज ने स्त्री को एक भोग विलास का खिलौना, वस्तु मान करके उसका बहुत स्तर गिराया है। इसलिए हमको भारतीय समाज में अपनी भारतीय परंपराओं के अनुसार ये जो पुरुष की नीच दृष्टि हो गई है, जो 6 महीने से लेकर 85 साल की तक की महिला को सिर्फ एक भोग की वस्तु मान की दृष्टि से देखता है, उस दृष्टि को गांधी ने मेरे सपनों के भारत में अपने रचनात्मक कार्यक्रम में कहा हमें समाप्त करना चाहिए। ऐसे ही आज भी राजस्थान के, हरियाणा के गांव में जब कोई दलित घोड़े पे चढ़ के बारात निकालना चाहता है तो तथाकथित हिंदू समाज के नाश करने वाले वो नीच लोग, जो ऊंची जात के अपने आप को कहते हैं, वो उसके साथ मारपीटाई करते हैं। यानी 73 साल की शिक्षा में आपने भारतीय सामाजिक परिस्थितियों को परिवर्तित करने का एक जो बहुत बड़ा साधन शिक्षा था उसका उपयोग ही नहीं किया। अब रोड पे देख रहे हैं कि रोड रेजी चलते जा रहे हैं, लोगों में सहिष्णुता समाप्त हो रही है, क्या ये काम हमारी शिक्षा व्यवस्था को नहीं करना चाहिए था? तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंदर इन सब भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का पूरी तरह से अभाव था। पिछले कई सालों से मैं शिक्षा के ऊपर जब भी हम लोग सेमिनार, वेबिनार, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग करते थे तो मैं ये कहता था कि ये जो हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था है ये पूरी तरह से भारत विरोधी है। क्यों भारत विरोधी है? क्योंकि इसमें कहीं पर भी भारतीय संदर्भ नहीं है। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स बच्चे को करा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वहां पर जो आप उसको पढ़ा रहे हैं वो है कि वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होगी, पार्लियामेंट क्या होगी। आपके पूरे पूरे संविधान को आपने वेस्टर्न मॉडल पे बना के रख दिया। क्या पिछले हजारों साल में भारतीय परंपरा में संसदीय व्यवस्था या लोकतंत्र की व्यवस्था या सर्वोदयीकरण की व्यवस्था नहीं थी? क्या उसको अपनी आने वाली पीढ़ियों को उस विषय से ज्ञात नहीं करना करवाना चाहिए था? हाँ, आधुनिक ज्ञान विज्ञान में जो वेस्टर्न थॉट है उसको हम कंपेरिजन में या उसको अपने संदर्भों को समझने के लिए हम रख सकते थे। क्या केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, क्या भारतीय समाज ने मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोफिजिक्स में
एक से एक बड़ी रिसर्च पिछले हजारों साल में नहीं थी, मगर हम सारा का सारा पढ़ाएंगे वही जो वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितने ये IITs हैं, जितने ये बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये सारे मैकाले की पद्धति के अनुसार इनका सिर्फ एक ही काम है कि अमरीका यूरोप के बाजार में इन गुलाम नौकरों को नौकरी के लिए तैयार करना। नहीं, मैंने एक भी ऐसा मेडिकल कॉलेज, मेरी मेरे परिवार में मेरी बड़ी बेटी बहुत बड़ी डॉक्टर है बच्चों की, तो उसकी पाठ्य पुस्तकें उसका सारा मैं पढ़ता देखता था कि उनके जितनी टेक्स्ट बुक्स है 95% वो सारी अमेरिका और इंग्लैंड से जो छपी किताबें हैं वही बच्ची पढ़ रही है। यानी भारत में जो बच्चों वो बच्चों की डॉक्टर है बेटी, तो मैं उसे ये कहता था क्या हिंदुस्तान के जमुना पार के जो बच्चों की बीमारी है वो अलग होगी, गुड़गांव के बच्चों की अलग होगी, हरियाणा के बच्चों की, क्योंकि जो बीमारी है वो इकोलॉजिकल इंपैक्ट लेके तब वो चीजें, तो वो आपको बच्चों को देख के आपको दवाइयां सजेस्ट करनी थी या तैयार करनी थी। आपने जितने IITs बनाए, इन IITs का पर्पज इतना ही रह गया कि यहां से लोग तैयार हो और बड़े गर्व से दिल्ली विश्वविद्यालय IITs IIM अपना प्लेसमेंट का रिकॉर्ड दिखाते हैं कि हमने एक ग्रेजुएट तैयार किया था जिसको एक मल्टीनेशनल विदेशी कंपनी ने 80 लाख में गुलाम के रूप में खरीद लिया। IITs का विषय यह होना था कि जो साइंस टेक्नोलॉजी में जो नए नए प्रयोग आए हैं, नए नए ज्ञान विज्ञान आए हैं, उन ज्ञान विज्ञानों को हम भारतीय समाज के कल्याण में कैसे प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हमारी भारतीय जनता का सामाजिक और आर्थिक स्तर जो है, नैतिक स्तर जो है, क्योंकि नैतिकता हमेशा तभी आती है जब भरा पेट होता है, ये कोरोना काल ने हमको सिखा दिया अच्छी तरह से। विषय यह है कि इन IITs में, इन IIMs में, जहां आप सिर्फ प्लेसमेंट के माध्यम से विदेशी कंपनियों के लिए गुलाम पैदा कर रहे हो, और वो किसकी कॉस्ट पे, अब देखते हैं आज का हिंदुस्तान है क्या। आज का हिंदुस्तान है 5% वो समाज जो अंग्रेजी दा है, वो आप और हम है। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, क्योंकि मैं जो संस्कृत या इंडियन फिलोसफी पढ़ाता हूं, उस पढ़ने पढ़ाने से जो मैं 20-25 PhD करवा चुका हूं, मेरा एक भी PhD रिसर्च, मेरा खुद का रिसर्च ऐसा नहीं है जिसने भारतीय समाज के किसी गरीब या किसी जरूरतमंद को जीवन ऊपर उठाने में सहायता की हो। अब जो आज का भारत है वो क्या है कि जब अंग्रेज यहां से गए थे तो उस समय 1% लोग थे जो समर्थ लोग थे, पैसे वाले थे, ताकतवर लोग थे अंग्रेजी के माध्यम से। आज वो 73 साल के बाद 5% हो गए। ये जो 5% अंग्रेजी का, काला अंग्रेजों का समाज है, इसमें सारे पूंजीपति हैं, सारे ये शासक ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, और सारे ये बड़े बड़े प्रोफेसर हैं जो अंग्रेजी के माध्यम से अपने कैरियर को बनाने के लिए विदेशी जर्नल में छपना पसंद करेंगे, पर हिंदुस्तान की गरीब पत्रिकाओं में, अखबारों में, उनकी भाषाओं में अपने रिसर्च को देने का कष्ट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ 95% ये गरीब जनता है जो भारतीय संस्कृति की संवाहिका भारतीय भाषाओं में अपना जीवन जीता है, व्यवहार करता है। गांधी जी ने ये विषय, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं, ये जो 5% समाज है, ये 95% समाज का न केवल शोषण करता है, बल्कि इस 5% निम्न स्तर के लोगों ने 95% अपने भारतीय भाइयों बहनों को हीन भावना दे दी है, कॉम्प्लेक्स दे दिया है, अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम अंग्रेजी के माध्यम से अपनी बात को नहीं समझ सकते, तुम सभ्य नहीं हो। यानी आप 95% समाज को हीन भावना से ग्रस्त करके, शोषित करके कितना पाप कमाओगे भाई। गांधी जी ने शुरू से, मैं आपको गांधी जी की सन 38 में ये आज की जो शिक्षा नीति है, इसके 3 बिंदु मुझे बहुत पसंद है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं कोई शिक्षा शास्त्री नहीं हूं, मगर मेरे 3 विषय हैं जो गांधी के साथ जोड़ने से मुझे बहुत जरूरी लगते हैं। पहला, इस शिक्षा नीति में मातृभाषा को महत्व देने का, और जैसा रूबी बहन ने कहा कि इसका इंप्लीमेंटेशन होगा तब कितना होगा,
क्योंकि यहाँ तो ऐसे ऐसे चीफ मिनिस्टर पैदा हुए हैं जो अपने यहाँ तेलुगु और कन्नड़ मीडियम के स्कूलों को बंद करके अंग्रेजी मीडियम का बनाने जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है, क्योंकि सारे अंग्रेजी दिमाग के हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा बड़े मतलब ये कुछ राजनीति में कुछ परिवारों ने कब्जा किया हुआ है। उन परिवार के लोगों को भारत से मतलब ही नहीं है, उसको विदेशों में पढ़ के आते हैं, विदेशी माहौल में रहते हैं। मगर मातृभाषा का इश्यू कितना गंभीर है ये गांधी के शब्दों में देखिए। गांधी कहता है हमने अपनी मातृभाषाओं के मुकाबले अंग्रेजी से ज्यादा मोहब्बत रखी, जिसका नतीजा यह हुआ कि पढ़े लिखे और राजनीतिक दृष्टि से जागे हुए ऊंचे तबके के लोगों के साथ आम लोगों का रिश्ता बिल्कुल टूट गया है। उन दोनों के बीच गहरी खाई बन गई है। एक खाई तो वो है अमीर और गरीब की, उस विषय को मैं आज नहीं लूंगा और कभी अग्रवाल जी मौका देंगे तो लेंगे कि किस तरह से पूरे देश की 70% जो हमारा सकल घन उत्पाद है, इस देश की प्रॉपर्टी है, उसमें 7-8% पैसे वालों ने, उद्योगपतियों ने कब्जा कर रखा है। ये विषय अलग है, आज विषय शिक्षा नीति का है। आगे गांधी लिखते हैं यही वजह है कि हिंदुस्तान की भाषाएं गरीब बन गई हैं और उन्हें पूरा पोषण नहीं मिला। हमने अपनी मातृभाषा में दुर्बोध और गहरे तात्विक विचारों को प्रकट करने की अपनी व्यर्थ चेष्टा में हम गोते खाते जाते हैं। हमारे पास विज्ञान के निश्चित पारिभाषिक शब्द नहीं है। इस सबका नतीजा खतरनाक हुआ है। हमारी आम जनता आधुनिक मानस यानी आधुनिक ज्ञान विज्ञान का मानस, आधुनिक मानस से यानी नए जमाने के विचारों से बिल्कुल अछूती रही है। आज भी यही हाल है 73 साल बाद, गांधी ने यह बात 90 साल पहले लिखी थी, अछूती रही है। हमारी आम जनता हिंदुस्तान की महान भाषाओं की जो अवगणना हुई है उसकी वजह से हिंदुस्तान का जो बेहद नुकसान पहुंचा है उसका कोई अंदाजा या माप आज हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम इस घटना के बहुत नजदीक यानी 90 साल पहले गांधी कह रहा है कि ये आप जो भारतीय भाषाओं की अवनति कर रहे हो, इसको नीचे गिरा रहे हो, इसका परिणाम तुम्हें बाद में मिलेगा। और आज मिल रहा है, आज मिल ये रहा है कि 5% अंग्रेजी पढ़े लिखे काले अंग्रेज 95% इस गरीब भारतीय समाज का शोषण कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने मातृभाषाओं को भारतीय भाषाओं को, और इसमें दोष किसका है, आशुतोष, आशुतोष का और रमेश भारद्वाज का, हम समान रूप से दोषी हैं, क्योंकि ये काम तो प्रोफेसर्स का था। जब मैं जापान में पीएचडी कर रहा था छात्र जीवन में, तो हमारी फैकल्टी ऑफ लेटर्स में अगर कोई जर्मन फ्रेंच इंग्लिश में कोई नई रिसर्च आती थी तो मेरा प्रोफेसर, मेरे प्रोफेसर, वो दूसरे तीसरे दिन क्लास में उसका जिस्ट जापानी में पेश कर देते थे। कोई नई किताब आई जर्मन फ्रेंच इंग्लिश में स्पेनिश में, तो दूसरे प्रोफेसर जो है केमिस्ट्री के, क्योंकि हर महीने हमारी टोक्यो यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में एग्जीबिशन लगती थी न्यू अराइवल्स, और उनमें वो लिखा जाता था दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन जर्मन लैंग्वेज इन लास्ट मंथ विच इज ट्रांसलेटेड इनटू जैपनीज बाय दिस प्रोफेसर ऑफ क्योटो यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी, ताइशो यूनिवर्सिटी, गाशो यूनिवर्सिटी, विद द हेल्प ऑफ हिज स्कॉलर्स हु आर डूइंग रिसर्च इन जर्मन और इन फ्रांस। पर हिंदुस्तान के प्रोफेसरों ने कभी शर्म नहीं आई उनको ये सोचते हुए कि जो 2-3 लाख की आप सैलरी ले रहे हो और ज्ञान विज्ञान में तकनीक में जो हमारा भारतीय समाज है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, क्या उनको हमें शामिल नहीं करना था। यानी अगर आप एक स्वराज की स्थापना करना चाहते हैं, राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं आशुतोष, तो आपको गरीब, गांधी के मुताबिक गरीब से गरीब व्यक्ति की सहभागिता चाहिए। वी नीड पार्टिसिपेशन नॉट ओनली इन मेकिंग पॉलिसीज बट ऑल्सो इन इंप्लीमेंटिंग दैट। यहां तो क्या है कि रात को सपना आता है किसी नीति निर्धारक को, नेता को या ब्यूरोक्रेट को, और सवेरे उठ के वो आदेश करता है इसका पालन कर दिया जाए, क्योंकि उसको जो है रात को जो है किसी हार्वर्ड या
शिकागो यूनिवर्सिटी के भारतीय या विदेशी प्रोफेसर ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी बता दी और उसने उसको चलो जल्दी जल्दी करो इंप्लीमेंट कर दो, मगर ये तो लोकतंत्र नहीं है, ये एक स्वस्थ समाज का लक्षण नहीं है। स्वस्थ समाज तो वह है कि जहां आप जो कुछ करने जा रहे हैं, इस नई शिक्षा नीति में मातृभाषा और भारतीय भाषाओं को महत्व देने की जो बात की गई है, साथ में उन्होंने ये भी रखा है कि एक अनुवाद और निर्वचन आयोग बनेगा। मैं अभी कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में मैंने कई बार काम करने उनको मैंने हेल्प करने किया है, 20 साल पहले की बातें हैं, जब मैं मोतीलाल में था तो उनके यहाँ जाता था बहुत, कमीशन में उनकी हेल्प करता था शब्दावली बनाने में। तो उनका भी हीरक जयंती था 1 अक्टूबर को, तो उन्होंने 2 अक्टूबर को बुलाया कि आप भी बोलिए। तो मैंने कहा कि आपने जो टर्मिनोलॉजी बनाई 9 लाख से ज्यादा आपने टर्म्स बना दी, पर उन 9 लाख टर्म्स को समाज ने उपयोग तो किया नहीं है। वो सारे आपके प्रकाशन जो है ऐसे के ऐसे पड़े रह गए, तो हम क्या करें। 1944 में मेरे गुरु प्रोफेसर लोकेश चंद के पिताजी डॉक्टर रघुवीर, बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट भाषाविद थे, उन्होंने सन 44 में लाहौर में प्रोफेसर भटनागर, जो जिनके नाम पे भटनागर अवार्ड चलता है, भटनागर प्रोफेसर के साथ मिलकर और देश के कन्नड़ तेलुगु मलयालम गुजराती मराठी साइंटिस्ट प्रोफेसर्स के साथ मिलकर उन्होंने एक शब्दावली का निर्माण किया, केमिस्ट्री इसका सब्जेक्ट था। उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजी से कन्नड़ में अलग तमिल में अलग आप टर्मिनोलॉजी बनाओगे तो राष्ट्रीय एकता भंग भंग हो जाएगी। तो उन्होंने एक वॉल्यूम तैयार किया केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी का, और उन्होंने संस्कृत के आधार पे, क्योंकि जितनी भारतीय भाषाएं हैं इन भारतीय भाषाओं का संस्कृत भाषा से 2 तरह का संबंध है, हमने ये पाठ्यक्रम भी रखा है अपने बीए ऑनर्स में, संस्कृत एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। पता नहीं कितने लोग पढ़ते हैं या कैसे लोग पढ़ाते हैं, पर जब हमने उसको सीबीएसई में डेवलप किया डिजाइन किया तो दृष्टि ये थी कि भारतीय भाषाओं का संस्कृत से 2 तरह का संबंध है। एक तो उन्होंने अपने शब्दावली निर्माण करने में संस्कृत पाणिनि ग्रामर की हेल्प ली, दूसरा उन्होंने संस्कृत लिटरेचर के जितने भी बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ हैं उन सबको उन्होंने अपनी भाषाओं में अनुवाद किया, उसके आधार पे अडॉप्शंस तैयार किए, चाहे वो रामायण हो महाभारत हो पुराण हो टेक्नोलॉजिकल कोई, अब केरल में जो मैथमेटिक्स के ग्रंथ मलयाली में आज मिलते हैं 400-500 साल पुराने, वो सारे संस्कृत के ग्रंथों का ही। दूसरी बात क्या है कि पिछले 800 साल में यानी 12वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान में जो हिंदू समाज मुगलों के या मुसलमानों के आतंक में जी रहा था, अंग्रेजों के कष्ट में जी रहा था, उस समय एक पूरी संत परंपरा ने गुजराती में मराठी में तमिल में तेलुगु में कन्नड़ में पंजाबी में एक बहुत बड़ा संत समाज खड़ा हुआ, और उस संत समाज ने उन अपनी अपनी भारतीय भाषाओं के माध्यम से भारतीय ज्ञान का जो विषय था फिलॉसफी का रिलीजन का, जहां पर स्त्रियों का दलितों का भी अधिकार था, उन लोगों ने पूरे 800-900 साल तक भारतीय हिंदू समाज को जीने का सहारा दिया संजीवनी दिया। तीसरा विषय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पॉजिटिव है मातृभाषा को यानी भारतीय भाषाओं का, दूसरा जो है कि सारा साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भारतीय भाषाओं में आओ उसके लिए अनुवाद आयोग कमीशन ये वो बनाएंगे, वो इसमें बात आ गई। और तीसरा विषय जो इन्होंने लिया है वो ये कि भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा का जो एक प्रवाह है भारतीय समाज में यानी इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम जो हमारे इंडियन सोसाइटी में है उसको भी आने वाली जनरेशन के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे कि जब मुझे यूजीसी ने संस्कृत बीए ऑनर्स का बीए प्रोग्राम का सीबीसीएस कोर्स डेवलप करने के लिए दिया, तो उस समय मैंने कोशिश की अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ मिलके कि हम अगर पॉलिटिकल साइंस का कोई ऑनर्स बच्चा कर रहा है तो इंडियन नेशनलिज्म या इंडियन थॉट ऑन स्टेट और पॉलिटी
उसमें हम लोगों ने एक सिलेबस बनाया, एक पाठ्यक्रम बना के दिया, जिससे कि जो बच्चा पॉलिटिकल जो हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है, क्योंकि एपिग्राफी पेलियोग्राफी संस्कृत विभाग में पढ़ाया जाता है, तो हमने उसके लिए पाठ्यक्रम बनाया जेनेरिक इलेक्टिव में या अन्य विकल्पों के माध्यम से। ऐसे ही हमको जो है फिलोसफी के लिए भी हमने बनाया, कॉमर्स के लिए भी बनाया, इकोनॉमिक्स के लिए बनाया, मगर साइंस के फील्ड में हमने अभी नहीं बनाए। तो ये जो नई शिक्षा नीति है ये बताएगी कि इंडियन जो ट्रेडिशन है उसमें केमिकल साइंस में क्या काम हुआ है, किस तरह के टेक्स्ट हैं, किस तरह के कॉन्सेप्ट डेवलप हुए थे। फिजिक्स में, एस्ट्रोफिजिक्स में जो हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े ग्रंथ हुए हैं, वराहमिहिर जैसे, भास्कर आचार्य जैसे जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, जो मैथमेटिक्स में भी हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में भी हैं, हमारे यहाँ जो इंडियन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझने के लिए जो इंडियन टाइम सिस्टम है उसको भी हमको लोगों को, अपनी भारतीय जनता को बताना चाहिए था। यहाँ तो ये मजाक है कि देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद साइंटिस्ट लोग नेहरू जी के पास गए और उनसे कहा, नेहरू जी क्या आजाद हिंदुस्तान में हम अंग्रेजी कैलेंडर को फॉलो करेंगे? नेहरू जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आजाद देश है, आप अपना इंडियन कैलेंडर सिस्टम बनाइए। तो उन्होंने कहा कि नेपाल में जो है नेपाली संबत वाला कैलेंडर चलता है, वहां ये नहीं कहता कोर्ट कि अब 5 तारीख को हजरत वाली क्या नाम है अगली पेशी है, वो ये कहता है कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को 11 बजे आपकी सुनवाई होगी, पेशी है आपकी। तो उस समय उनका नाम अभी याद आ जाएगा, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोफिजिशियन, उनकी अध्यक्षता में नेहरू जी ने कमीशन बनाया इंडियन कैलेंडर सिस्टम को डेवलप करने के लिए। उस कमीशन ने पूरी रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट को दी और ये कहा कि हम शक संबत, विक्रम संबत, चंद्र और सूर्य दोनों पर आधारित है, मगर शक संबत पूरी तरह से सौर संबत है, सूर्य पर आधारित है, इसलिए हमको उस शक संबत को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। नेहरू जी ने उसको नेशनल कैलेंडर बना के पार्लियामेंट से मंजूरी दिलवा दी, मगर हिंदुस्तानी समाज की तो आदत है टुकड़ों में जीने की। मुझे याद है एक बार हमने यहाँ नव संवत्सर का कार्यक्रम किया आर्ट्स फैकल्टी में, जब पिछली बार मैं हेड बना था 13-14 में, तो सारे जो हमारे वो सो कॉल्ड कॉम्युनिस्ट लिबरल साथी आए और बोले, हाउ कुड यू राइट इंडियन कैलेंडर, भारतीय नववर्ष, हमारा बंगाल का अलग नववर्ष होता है, हमारा केरल का अलग होता है। तो मैंने कहा, क्या उत्तर भारत जहां विक्रम संवत चलता है वो उत्तर भारत भारत में नहीं आता क्या? आपका बंगाल और केरल ही क्या भारत में आता है? अरे ये भारतीय समाज जो है, कारण क्या है, आपने एक अंग्रेजों की डेफिनेशन पढ़ ली, क्या यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहां पर अनेकता में एकता है, जबकि ये जो नई शिक्षा पद्धति है ये अनेकता में एकता की अमेरिकन थ्योरी को तोड़ती है। अनेकता में एकता अमेरिका में है, भारत में नहीं है। भारत में क्या है? भारत में मूल रूप से सांस्कृतिक एकता है, और वो जो सांस्कृतिक एकता का मूल स्वर है वो भारत के विभिन्न प्रांतों में, भारत के विभिन्न हिस्सों में वो अपना वैशिष्ट्यपूर्ण विविधता को दर्शाता है। यानी हमारी जो डाइवर्सिटी है वो एक किसी मौलिक एकता पर आधारित है। माननीय अनिरुद्ध देश पांडे जी ने जब हमारे कहने से नई शिक्षा नीति पर बोला तो उन्होंने एक विषय दिया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं उसके सामाजिक संदर्भ। यानी ये जो नारे दे दिए गए पिछले 70-72 सालों में इन लिबरल लोगों के द्वारा, जो कि पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता संस्कृति और वहां की जो थ्योरीज हैं,
यानी हिंदुस्तान के बारे में जो विदेशी विद्वानों ने यानी हिस्ट्री में आज तो उसको कुछ बोलना है, तो जब तक वो अपने किसी अमेरिकन या उस स्कॉलर की बात को कोट नहीं करेगा, अग्रवाल जी यही कहेंगे प्रिंसिपल साहब कह रहे भाई तुम्हारी रिसर्च जो है ये सही नहीं है, इसमें तो तुमने जो है ना मतलब यहाँ वहां से सब कॉपी पेस्ट करके अपने विचार लिख दिए, किसी बड़े जर्नल का किसी बड़े उसका रेफरेंस तो दिया ही नहीं। ये हिंदुस्तान की अकादमिक योग्यता को मापने का तरीका नहीं है। किसी भी व्यक्ति की अकादमिक योग्यता का ये है कि जब वो कक्षा में जाता है तो विद्यार्थी उसको सुनना चाहते हैं क्या? जब वो निकलता है तो उसके पीछे चार पांच बच्चे जाके पूछते हैं सर ये चीज क्या है ये क्या है? अगर शिक्षक निकला और बच्चे बातें कर अच्छा वाह यार आफत निकल गई, तो हमारा काम तो वो देखने का है। तो मूल विषय ये है कि नई शिक्षा नीति गांधी की दृष्टि से एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है। ये पहले मतलब एक आप कह सकते हैं, क्योंकि गांधी के अनुसार अगर आपको काम करना होगा तो आपको इस पूरी देश की शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। इन सारे विश्वविद्यालयों का इन सब आईआईटीज का उद्देश्य सिर्फ एक ही रखना पड़ेगा। कभी कभी शिक्षा मंत्री या वो लोग बोलते हैं कि पीएचडी रिसर्च वो कराओ जिससे सामाजिक संदर्भ हो, ये बात आने लगी है आजकल, मगर खाली ये नारों से या भाषणों का विषय नहीं है, ये पॉलिसी का मैटर है। यानी मेटलर्जी में या केमिकल साइंस में या आपकी क्या नाम है आपका ये अलग अलग जो डिसिप्लिन हैं टेक्नोलॉजी के, इन सबको आपको देखना पड़ेगा। हाँ आप एक काम करते हैं बहुत अच्छा, मेरे एक मित्र छोटे से बुकसेलर थे नागपुर के, आज से 30 साल पहले नागपुर महाराष्ट्र में और कर्नाटक में जो है लोगों ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, तो उन लोगों ने क्या किया कि जिस तरह के नए नए टेक्निकल सब्जेक्ट्स फैक्ट्रियों को जरूरत थी लेबर की, उस तरह के उन्होंने कोर्सेज शुरू किए, उनकी किताबें नहीं थी। तो हमारा दोस्त जो जैन पब्लिक बुकसेलर था नागपुर का, उसने एक दो प्रोफेसरों को पकड़ के उन विषयों पे कुंजियां तैयार कर दी, किताबें तैयार कर दी बच्चों के लिए, और वो विद इन 4 ईयर्स 80 करोड़ का मालिक बन गया। तो ऐसा नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडियन सोसाइटी को किन विषयों में ग्रेजुएट्स की टेक्नोक्रेट्स की आर्टिजन्स की आवश्यकता है, उन विषयों में आप जो है उनको, आप जानते हैं कि हमारे आज भी जाति व्यवस्था है, हमारे आज भी जो परंपरागत उद्योग हैं वो अब 100% तो नहीं रहे पर 70% अभी भी वो पारिवारिक ट्रेडिशन में चले आ रहे हैं। क्या हम अपने कुम्हार को अपने लोहार को एक ऐसी टेक्निक नहीं दे सकते जिससे कि अपने गांव में बैठकर अपने घर में बैठकर वो अपने परिवार का न केवल स्वावलंबन कर सके? और सबसे बड़ा जो नाटक हुआ है ये आत्मनिर्भर का जो नारा है, अगर ये सिर्फ एक विषय कर दिया आपने, अगर आपने हायर एजुकेशन को भारतीय भाषाओं का के माध्यम से शुरू कर दिया, तो मेरे ख्याल है इस शिक्षा नीति की 100% सफलता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब इंप्लीमेंट करने जाएंगे, हमारे देश के बहुत अच्छे मैं इस पॉलिसी को बनाने वाले कम से कम इसमें जो इनपुट देने वाले हैं 75% लोगों में जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, पिछले मेरे सामाजिक सोशल लाइफ 40 साल 45 साल की जो मेरी दिल्ली में लाइफ है, मैं उन सब लोगों को जानता हूं, उनकी ईमानदारी पे मुझे पूरा विश्वास है, वो इस देश को एक अच्छी शिक्षा नीति देश की निर्माण करने वाली शिक्षा नीति देना चाहते हैं, उनका उसमें इनपुट गया है, उसका कुछ यहां पर असर भी दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो यही तो होंगे वो ब्यूरोक्रेट, यही तो होंगी वो राज्य सरकारें, वहां फिर कहेगा कोई तेलुगु का चीफ मिनिस्टर कन्नड़ का चीफ मिनिस्टर कि हम तो सब मातृभाषा माध्यम करेंगे नहीं, हमारे स्कूल बंद हो जाएंगे। मगर एक आमूलचूल परिवर्तन करने वाला क्रांतिकारी निर्णय लेने वाला कोई नेतृत्व अगर इसको ढंग से इंप्लीमेंट करेगा तो मुझे विश्वास है अब उसमें
इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ एक ही काम है कि ये जो आईआईटी आईआईएम दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े सेंट्रल बड़ी यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, ये कितना तैयार होते हैं कि सीएसटीटी शब्दावली आयोग की टर्मिनोलॉजी की जो टर्म्स हैं उनके आधार पे हम अपनी भारतीय भाषाओं में इन पाठ्य पुस्तकों को तैयार करें, संदर्भ ग्रंथों को तैयार करें, जिससे आम विद्या। अब मैं 6 महीने करीब गलती से एसओएल में ओएसडी रहा, प्रिंसिपल रहा। वीसी साहब ने कहा कि जी यहाँ पर ये सीबीसीएस इंट्रोड्यूस करना है, कोई बलि का बकरा चाहिए। तो भारद्वाज जी आप बहुत अच्छे हैं, मोटे तगड़े हैं, रिटायरमेंट पे बैठे हैं, तो आप ओएसडी बन जाओ। हम चले गए, 6 महीने पक्के भाग गए, वहां से भाग के आ गए। कारण क्या है कि 6 लाख जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट हैं, वो 95% बच्चे हिंदी में किताब मांग रहे हैं और एसओएल की सारी किताबें अंग्रेजी में आप तैयार करके छाप के बैठे हुए हो, और फिर कहते हो कि रिजल्ट 40% आया, 30% आया। आपने जो अध्यापक अपॉइंट किए हुए हैं उनमें से कितने अध्यापक है जो सही हिंदी में भी जाके लेक्चर दे पाए? जिन एसओएल में आप, हमारा तो वहीं पे मतलब पॉलिटिक्स में, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कोई पॉलिसी तो है नहीं, यहाँ तो अपॉइंटमेंट पॉलिटिक्स चलती है, किसको क्या अपॉइंट करेंगे, किसको क्या फायदा देंगे, यही विषय रहता है, कोई पॉलिसी हम नहीं चाहते। हम सब उसी के मतलब, मैं अपने आप को सरल नहीं कर रहा, मैं सिस्टम का एक अहम हिस्सा हूं, मैं अपने आप को साइड में नहीं कर सकता, क्योंकि जनरेशंस का जो पाप है, दोष है, उसमें मैं भी उतना ही शामिल हूं। अगर हमने कोशिश की वहां पर कि हम जब हिंदी में किताबें लाते थे तो कुछ कौम नष्ट लोग, लिबरल लोग आगे कहते थे वो इसकी तो भाषा ठीक नहीं है, इसका तो क्या नाम है प्रिंटिंग में ये गलत है, वहां इस बात का विरोध था कि हिंदी में किताब अगर 2 महीने में हमने तैयार करके जल्दी से छाप दी बच्चों के लिए तो उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, तुम्हारी अंग्रेजी किताबों का स्टैंडर्ड है जो कि एक रद्दी के सिवाय हमारे देश के 95% बच्चों के काम की नहीं। मैं आपको ये डाटा दे रहा हूं, एसओएल की वेबसाइट पे 95% बच्चे हिंदी मीडियम ऑफ करते हैं, केवल बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं 4-5 हजार जो 80% इंग्लिश मीडियम चाहते हैं, क्योंकि वो सीए के स्टूडेंट्स हैं, वो एक अलग क्लास है। मगर जो बीए प्रोग्राम है, बी ऑनर्स पॉल साइंस है, बीकॉम पास है, इन सबके विद्यार्थी 90% से ऊपर हिंदी मीडियम चाहते हैं, और हम उनको पाठ्यपुस्तकें, पाठ्य सामग्री, शर्म आती है दिल्ली विश्वविद्यालय में कि दिल्ली कह देते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें तो पूरे देश के लोगों का अधिकार है। अरे भैया, देश के लोगों का अधिकार तो कोई मना नहीं कर रहा, मगर जब गुजरात विद्यापीठ गांधी ने बनाई तो उसमें लोगों ने कहा गांधी जी आप तो राष्ट्रभाषा हिंदी कहते हो, गुजरात विद्यापीठ का मीडियम हिंदी कर दो। तो गांधी ने कहा नहीं, ये गुजरात विद्यापीठ गुजरात के अंदर है, इसमें ज्यादा विद्यार्थी गुजरात के आएंगे, बाहर के कम आएंगे। जो बाहर के आएंगे, जब मैं जापान गया था तो पहली शर्त जापान गवर्नमेंट की ये थी, आपको यह एडमिशन दे रहे हैं पीएचडी में, फेलोशिप दे रहे हैं, पर आपको जापानी आनी चाहिए, जापानी नहीं आती तो आपको हमारी यूनिवर्सिटी में आने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और उसको हिंदी नहीं आती तो वो बाहर सड़क पर क्या करेगा? सड़क पर तो हमारी पंजाबी मिश्रित हिंदी चलती है। तो आपको इस ये देखना पड़ेगा, ये हीन भावना निकालनी पड़ेगी कि अगर कोई धोती कुर्ते में, कुर्ते पजामे में आदमी आ गया तो वो आदमी सभ्य ही नहीं होगा। ये कोई जिमखाना क्लब है क्या हिंदुस्तान? बंबई के जिमखाना क्लब में जब एक पेंटर बहुत बड़ा, हुसैन क्या नाम था उसका, एमएफ हुसैन, वो नंगे पैर रहता था, जब वो जिमखाना क्लब में गया, भाईजान जिमखाना क्लब में उस दिन मैं भी अपने दोस्तों से बैठा हुआ था शाम को, तो जिमखाना क्लब में वो इसकी एंट्री हो गई तो वहां से सारे मैनेजमेंट ने उसको बाहर निकाल दिया, एमएफ हुसैन को, कहा कि ये नंगे पैर है और ये कुर्ते पजामे में अंदर आ गया, ये तो ड्रेस कोड नहीं है हमारे क्लब का। तो ये हिंदुस्तान है, ये जिमखाना क्लब नहीं है तुम्हारा, जहां तुम ड्रेस कोड को लेके खाने के ऊपर तुम ये खाओगे वो नहीं खाओगे,
ये गांधी का देश है, गांधी का मतलब है ये हिंदुस्तानी सभ्यता का देश है जिसमें विविधता है, हर व्यक्ति की अपनी विविधता की हम लोग डिग्निटी को मान के चलने वाले लोग हैं, हमें सैकड़ों भाषाएं सैकड़ों धर्म एक साथ रहे ऐसी हमारी मानसिकता पिछले हजारों साल में विकसित हुई है, हम उसी के साथ आगे चलना चाहते हैं। तो आशुतोष जी अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अवसर दिया और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में मुझे जो मेरा दर्द है उसको अपने साथियों के साथ साझा करने का मुझे अवसर दिया। वैसे तो मेरी बेटी डॉक्टर ने मुझे एक महीने के लिए मना किया है बोलने के लिए, क्योंकि 1 और 2 अक्टूबर को मैंने 18 और 22 लेक्चर दिए और जो लास्ट लेक्चर 2 अक्टूबर को रात को 8 बजे था तो उसमें गले में दर्द शुरू हुआ और आवाज़ ख़त्म हो गई। तो पर आप आशुतोष पुराने साथी हैं, क्योंकि हमारे हिंदी में कहना है ना ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, तो हम तो भाई यारों के यार रहे यही हमारी ड्यू का कल्चर है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नाउ सर हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जो चैट बॉक्स में आ रखे हैं, हम उस प्रश्न पे भी गौर डालेंगे। एक प्रश्न है हमारा सुजीत मिश्रा, माफ कीजिएगा सर, मैंने कहा स्वागत है आपके प्रश्नों का। धन्यवाद सर। सर एक प्रश्न है सुजीत मिश्रा की, उनका एक प्रश्न है कि वो क्या कारण रहे हैं जिसे हमारे शिक्षा तंत्र में हिंदी भाषा को जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो तो मैंने आपको बहुत स्पष्ट कर दिया ना कि 1948 और 50 में जो भारतीय संविधान बनाया गया वो संविधान इस हिंदुस्तान की 1% आबादी ने बैठकर बनाया था। अगर देश का विभाजन ना हुआ होता, हिंदू मुस्लिम दंगे ना हुए होते, तो शायद हमारे देश के नेताओं को इस विषय पर भविष्य की दिशा तय करने में बहुत समय मिल जाता। सारा समय तो इन नीचता के कामों को निपटाने में लग गया गांधी का या नेहरू का पटेल का, कहां चैन था, बाहों में पटेल मर गया बेचारा। इस देश के एकीकरण का कितने नीच राजा महाराजा थे जो देश को एक नहीं होने दे रहे थे, हम आपस में हिंदू मुस्लिम बन के एक दूसरे का गला काट रहे थे, लाखों करोड़ों लोग पूरे पाकिस्तान से भारत आ गए शरणार्थी के रूप में, उनके उनके दुख दर्द को देखें या भविष्य की दिशा तय करें ये नेता। उस जल्दबाजी में जो तैयार हुआ काम ये था कि जो वो 1% अंग्रेजी पढ़े लिखे समर्थ लोग भारत के थे जिन्होंने देश के संविधान को बनाया, उन लोगों को इस देश की वस्तु स्थिति को समझना चाहिए था, उन्होंने नहीं समझा। वो तो यही मानते चले गए कि बस अंग्रेजी जो है, मुझे याद है कि गांधी जी को किसी ने कहा कि जगदीश चंद्र बोस बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो लेक्चर देने वाले हैं आज कलकत्ते में, आप उनको सुनने चलेंगे, तो गांधी ने कहा हाँ बॉस को सुनना मैं चाहूंगा, नोबेल प्राइज विनर है देश का, अगर वो बांग्ला में अपना भाषण देगा तो। तिलक ने गांधी के सामने कांग्रेस के अधिवेशन में अंग्रेजी में बोला, गांधी ने उसको टोक दिया, और गांधी को हिंदुस्तान आए अफ्रीका से 1 साल भी नहीं हुआ था, BHU में एनी बेसेंट से उनका झगड़ा हो गया इसी बात को लेकर। आप किस सोसाइटी में बात कर रहे हैं, हिंदी में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? 1922 से लेके और 1936 तक गांधी लड़ता रहा कांग्रेस के अधिवेशन में कि कांग्रेस जो है इस 1% अंग्रेजी पढ़े लिखे समाज को प्रतिनिधित्व नहीं करती है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है जहां हिंदी और भारतीय भाषाएं हैं, इसलिए हिंदुस्तानी में बोलो।
ये जो हीन भावना है ना 1% लोगों की, मैंने आपको कहा ना ये 1 से 5% हो गए हैं, ये शोषक है, ये हम गरीब जो लोग हैं हिंदुस्तान के उनको उकसा रहे हैं कि अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल के मीडियम में भेजो, उनको हिंदुस्तान से प्यार नहीं है। ये तो हम लोग वो गद्दार लोग हैं जो अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा के IIT IIM में करवा के सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए उनको अमेरिका का नागरिक बनाने के लिए हम तड़पते हैं। 5% लोगों का भारत से कहां है, प्यार ही नहीं है जी। आगे एक हमारे स्वयंसेवक का प्रश्न है कि आप अकॉर्डिंग टू यू इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग ऑफ इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू जज लर्निंग। एक मानकीय व्यवस्था जरूरी है पढ़ाई के लेवल को जज करने के लिए। हाँ बिल्कुल चाहिए, मगर उसका मानकीकरण संभव नहीं है। कारण क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हम एक बार PhD में एडमिशन अपने डिपार्टमेंट में कर रहे थे, उन दिनों में हेड नहीं बना था, तो उस समय मतलब एक दो बच्चे आए जो कैटेगरी से थे, तो बोर्ड ने कहा कि नहीं इसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, इसका ये प्रपोजल में ये कमी है, तो उन्होंने दो बच्चे एक तरफ निकाल दिए, बाकी बच्चों को एडमिशन के लिए उन्होंने रिकमेंड किया। मैं मिनट्स लिख रहा था, तो जब मैं वो पढ़ा, मैंने उस बच्चे की बैकग्राउंड देखी, तो देखा ये बच्चा जो है हमारे दिल्ली के एक JJ कॉलोनी के LIG होता है ना, LIG फ्लैट में रहता है। मुझे मालूम है रणजीत नगर के LIG का साइज जो है वो 650 स्क्वायर फीट है। एक बेडरूम है, एक छोटा ड्राइंग रूम है, किचन है और थोड़ी बालकनी है। फिर देखा उसके फादर क्या करते हैं, वो कारपेंटर हैं। बच्चे के मार्क्स देखे 12वीं में उसके 60% है, BA में आया 64% है, MA में आया 68% है, अब वो PhD के लिए आ गया। मैंने उसका एडमिशन दे दिया, अपनी लिस्ट में डाल दिया। हेड ने पूछा इन दो बच्चों को तो बोर्ड ने मना किया था। मैंने कहा बोर्ड ने डिटेल में उन बच्चों का CV नहीं देखा था। मेरे लिए बात यह है कि ये चार बच्चों, चार लोगों का परिवार है, माता पिता शायद दादा दादी भी होंगे, इसमें लिखा हुआ नहीं है। इस बच्ची ने उस LIG फ्लैट में बैठ के एक कारीगर की बच्ची ने फर्स्ट क्लास थ्रू आउट लिया है, तो ये बच्ची मेरी बच्ची जो 99% 12th में लेके आई है उससे ज्यादा इसके मार्क्स हैं। ये आपको मानकीकरण नहीं कर सकते आप, आपको देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के हालात क्या है। मैं अपनी बिटिया को कभी मैंने उसको ऑटो में नहीं जाने दिया, हमेशा अपनी स्कूटर पे या कार में लेके उसकी कोचिंग सेंटर जाता था, स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, उसको सारी कोचिंग फैसिलिटीज में देता था, कंप्यूटर देता था। और एक व्यक्ति जो है अपने बच्चे को क्लास भी नहीं दे पा रहा है, तो उन दोनों में आपको जज मानकीकरण नहीं कर सकते हैं। वो अच्छी अच्छा नहीं है देश के लिए। इस मानकीकरण के चक्कर में जो है ना हम लोगों ने आपस में जातिगत द्वेष पैदा कर दिया जी। एक और प्रश्न है, डू यू थिंक हैविंग लिंग्विस्टिक प्रोस्पेरिटी कैन हेल्प इन अपलिफ्टमेंट ऑफ दोज स्ट्राटा इन द सोसाइटी, ऑफ लोएस्ट स्ट्राटा इन द सोसाइटी? हाँ बिल्कुल, भाषीय समृद्धि जो है। हाँ, क्योंकि मतलब ये है जैसे मैंने आपको डाटा दिया कि 95% जो लोग हैं वो विकसित अवस्था को नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, विकासशील भी नहीं हो पा रहे हैं। गांधी कहता है कि आप 6 साल उस छोटे से बच्चे के जीवन के खराब कर देते हैं अंग्रेजी सीखने में। मैं कह रहा हूं कि मैंने कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ी, मैं तो गुरुकुल का पाठशाला का पढ़ा हुआ हूं, मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के बाद से मैंने अंग्रेजी सुनना पढ़ना शुरू किया। मगर मुझे आशुतोष जैसे अपने दोस्त या जो अपने प्रोफेसर थे, साथी थे, उनकी अंग्रेजी सुन सुन के मैंने अभ्यास किया, तो मैं अंग्रेजी में बोलता भी हूँ, किताबें भी लिखता हूँ, विदेशों में जाके लेक्चर भी देता हूँ, क्योंकि भाषा। मगर आप ये जब बंदिश करते हैं
कि ये नहीं आता तो आपको ये नहीं मिलेगा। आप किसी के किसी का हाथ नहीं काट सकते, किसी के पैर नहीं काट सकते आप। वो अपनी मातृभाषा में जो विषय उसको अपने पढ़ाया है उसको प्रकट कर पा रहा है या नहीं, हमें ये देखना है। जी एक आखिरी प्रश्न है कि हम अपने 21वीं शताब्दी के बारे में क्या सोच सकते हैं ये नए शिक्षा नीति को लेकर के। देखिए, लाखों लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए जेल की यातनाएं सही, हजारों लोग वीर सावरकर जैसे जिन्होंने अंडमान की जेलों में नारकीय जीवन जिया, सैकड़ों हमारे देश के युवक भगत सिंह जैसे जिन्होंने इस देश के भविष्य को देखते हुए फांसी पे चढ़ गए, अपना अंतिम उत्सर्ग दिया, उन सब लोगों ने एक अच्छे हिंदुस्तान के लिए बलिदान दिया था कि एक अच्छा समाज बनेगा। ये वो समाज क्या होगा कि जब विश्वविद्यालय के मेट्रो पे एक मेरी बिटिया उतरेगी तो वो क्लासरूम तक जब पहुंचेगी तो वो बिना किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट के डिग्निफाइड वे में एज ए स्टूडेंट, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जब हम हॉस्टल में रहेंगे तो हॉस्टल में हमें हमारे बिहारी कह के, भैया यूपी का कह के या जाट हरियाणा का कहकर हमें क्षेत्र से नहीं, हमें अपनी जात के नाम से नहीं पुकारा जाएगा, हमें हमारे अच्छे गुणों कर्मों के आधार पर समाज में सम्मान या अपमान मिलेगा। इस तरह का समाज चाहिए था ना हमें। हम ये कैसे सहन कर सकते हैं कि मैं अभी एसी में बैठा हुआ लेक्चर दे रहा हूं और मेरा भाई जो मुझसे बड़ा खेत में काम कर रहा है उसको अपने खेत में पानी देने के लिए बिजली नहीं मिल रही है, ये न्याय में कैसे देख सकता हूं। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि पिछले हजारों साल में आपने जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर अपने समाज को डिवाइड करके एक अमानवीयता, नीचता की हद पार करने वाला समाज बनाया हुआ है, उस समाज को आगे कैसे लेके जिंदा रह जाए। तो मेरा वश चले तो मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि मैं क्या कर दूंगा। हम कैसे सहन कर सकते हैं कि आप किसी को उसके, अरे पाप कर्म तो तुम्हारे हैं, तुम ऊंची जात पे, तथाकथित ऊंची जात पे तुम पैदा हुए हो, तुम्हारे कर्म इतने गंदे हैं कि तुम इस हिंदू राष्ट्र को, हिंदू समाज को नष्ट करने में लगे हुए हो, तुम्हारी जात पात ऊंच नीच की भावनाओं ने इस हिंदुस्तान की 20% आबादी को मुसलमान बना दिया, 8% आबादी को तुमने क्रिश्चियन बनवा दिया और तुम और इस हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हो। वो हिंदू समाज, वो हिंदू संस्कृति जो गांधी के शब्दों में पूरे संसार को एक दिशा जीने की दे सकती है। प्रश्न यहां पर इस तरह के हैं कि 21वीं सदी का भारत वो नहीं होगा जो 2020 में हाथरस कांड करा देता है, निर्भया कांड करा देता है, आग लगा दो ऐसी व्यवस्था को, नहीं चाहिए वो सब। और ये हम लोग तो, मैं अक्सर कहता हूं कि हम लोग तो अब 60-62-65 साल के हो रहे हैं, हमारी जनरेशन तो पागल थी, हम तो भ्रमित हो गए, हमें यही नहीं पता था कि ये लोहिया का रास्ता सही है या आरएसएस का रास्ता सही है या कम्युनिस्टों का रास्ता, तो उसी संघर्षों में लगे रहे, दिमाग सारा पागल होता रहा। और जो असली इशू है वो तो हमारे सामने नहीं आया, वो आज समझ में आ रहा है कि असली इशू तो ये है कि हिंदुस्तान एक सभ्य महान देश है, इसका भविष्य हमको बनाना है। और ये आज की आप जैसी युवा पीढ़ी देख रही है। अभी 1 अक्टूबर को भारतीय महिला कॉलेज में जब मैं बोल रहा था गांधी और स्त्रियों पर, तो एक बिटिया ने सवाल किया, स्टूडेंट ने, सर मेरी माँ कहती है बेटी मुझे तेरे पे भरोसा है, समाज पे नहीं, तू घर से बाहर मत निकल। सर हम कब तक इस दम घोटू माहौल में जीने को मजबूर हैं, आप कोई समाधान बताएंगे।
आप गांधी भवन के डायरेक्टर हैं, गांधी भी बहुत किताबें लिखते हैं, आप बहुत भाषण देते हैं, रास्ता बताइए ना कि इस दमघोटू वातावरण से हम बाहर कैसे निकले। एक लड़की ने पूछा कि मैं इतनी मेहनत करके दलित परिवार से आती हूं, उसके बाद भी मुझे क्लास में वो लड़कियां जो है वो अलग ढंग से व्यवहार करती हैं। सर ये क्या है? जब आप जैसे युवा विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, सोचना पड़ता है कि समाधान तो देना पड़ेगा। है समाधान? हजारों साल की गुलामी से हिंदुस्तान को निकालने के लिए हमने 1857 से लेकर 1947 तक बहुत बलिदान देके आजादी प्राप्त की। गांधी ने कहा था कि ये जो राजनीतिक आजादी है ये स्वराज का 1% है। 99% जो स्वराज है, आजादी है, वो है सामाजिक और आर्थिक। हमने सामाजिक आजादी क्रांति करी नहीं है। तो मैंने उस बिटिया से एक ही जवाब दिया, बेटा मुझे लगता है कि जितना भारतीय समाज ने राजनीतिक आजादी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया, उससे 1000 गुना अधिक भयंकर बड़ा आंदोलन हमें इस नए समाज को बनाने के लिए करना पड़ेगा। और यह काम आज की युवा पीढ़ी ही करेगी। ये हम लोग जो कैरियरिस्ट हैं, हम लोग जो सिर्फ भाषण देते हैं, ये उनकी बस की चीज नहीं है। तो विषय यही है, 21वीं सदी का भारत उज्जवल भारत बने, अच्छा भारत बने। और ये भारत गांधी के शब्दों में तभी बनेगा जब हम अपनी भारतीय सांस्कृतिक जो अच्छे मूल्य हैं उनको पुनः स्थापित करेंगे। गांधी वर्ड यूज करता है रीजनरेट, वी नहीं कहता कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सोसाइटी। नो, हमारे पास आधार है भारतीय मूल्यों का, उसके आधार पे हम भारतीय समाज को रीजनरेट करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। और हिंदू समाज में, भारतीय समाज में जो नीचता वाली चीजें आई हैं, वो 18 विषय गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम अपनी छोटी सी 40 पेज की किताब है उसमें आइडेंटिफाई किया है। उन विषयों पर बहुत मजबूती के साथ हमें काम करना पड़ेगा जिससे कि एक नई सामाजिक क्रांति हो। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। हमारे पास प्रश्न तो और भी हैं, लेकिन समय सीमा होने के कारण हम चाहते हैं कि प्रश्नावली को यहीं पे रोका जाए। और आशुतोष जी की तो आभारी हुई, वो तो मेरे बहुत पुराने मित्र रहे जब से देशबंधु महाविद्यालय में हम लोग यहाँ पे साथ हैं। लेकिन सर शायद आज आपको नहीं सुनते तो आप खुद देख लीजिए। कहते हैं गांधी जी के विचारों में उन्होंने उस चीज को पहले सर्वप्रथम अपने पे करके देखा, जो आज हमारा जिस ये कार्यक्रम का जो कंपेयर कर रहा है ऋतिक, वो कभी हिंदी में अपना मतलब बोलता नहीं है हिंदी जल्दी, और आज उसने आपके वक्तव्य को सुन के हिंदी में अपनी बात कहने का प्रयास किया। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, हो सकता है आप सबों के इतने जो लंबे संघर्ष हैं उसका हमें तो अब जो भी मिलेगा प्रतिफल, हमें तो अभी कार्य करना बहुत बाकी है, पर ये जो हमारे जो बच्चे हैं आगे आने वाले, आगे 30 वर्षों में वाकई ऐसा समाज का निर्माण हो इस राष्ट्र में जिसमें जो एक कल्पना मात्र है, और वो कल्पना, अगर वो कल्पना भी थी काफी वर्षों तक जिसको काल्पनिक दृष्टि से कहा गया, जिसका एक प्रमाण मानने की काफी बार प्रयास किया गया कि प्रमाण नहीं है, ये बात ही नहीं है, तो उस प्रमाण के बाद भी अगर हम उसको चरितार्थ कर सके कि ये काल्पनिक राम राज्य या काल्पनिक एक तरफ द्रौपदी पे सवाल और दूसरी तरफ महाभारत काल्पनिक, एक तरफ माता सीता पे प्रश्न और दूसरी तरफ काल्पनिक, तो ये सब विषय हैं। लेकिन यही है कि हम इवन आज के वेबिनार से भी अपने विद्यार्थियों से यही कहेंगे कि जो अच्छा है, जो सही है, जो आपको सही लगे, जो सही मार्ग लगे, अगर उसको हम चुन के अपने आप में उसको लेकर आगे चले, तो वाकई मैं खुद एक महिला हूँ, मेरी एक खुद अपनी पुत्री है, मैं नहीं चाहूंगी कि आगे ऐसा कोई समाज हो जो
इस तरह की घटनाएं हो और जो आज की दृष्टि में जिस तरह का राजनीतिक रूप ले लिया है, एक घटना एक विशेष राज्य पे ज्यादा उसको जो हमारी मीडिया है उसको प्रसारित करते हुए दूसरे राज्यों को छोड़ते हुए कह रही है, तो एक तरह से मतलब फिर हर मीडिया पे हमें एक तरह से सवाल उठ खड़ा होता है। तो इतना ही कहना चाहेंगे इस तरह की घटना ना घटे, और घटे तो आज का जो युवा है उस चीजों को समझे बूझे और उसके अनुरूप ही उस पे प्रयास करे। और हम कम से कम एटलीस्ट सर एज एनएसएस यूनिट देशबंधु महाविद्यालय एंड एनएसएस सेंटर की ओर से कम इतना तो हम प्रयास कर सकते हैं कि हमारे बच्चे हमारे वॉलंटियर्स जब बाहर निकले तो कम से कम एटलीस्ट ये हो कि वो सुरक्षित वो निकले। और प्रश्न सिर्फ हम अपनी बेटियों से क्यों करें, हम अपने बेटों से पहले नहीं करेंगे कि तुम जाओगे तुम अब तक कहाँ थे। तो जब हम उस ऐसा समाज का निर्माण करेंगे जहाँ प्रश्न हम पुरुषों से करना शुरू करेंगे अपने पुत्रों से करना शुरू करेंगे तो शायद वो जो परिकल्पना है वो शायद पूरी होगी, आज नहीं 10 साल नहीं 20 साल नहीं 30 साल बाद। एक और बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे जो आपने जो अपने बात कही आज सच में समसामयिक विषय था, और गांधी जी के उल्लेख में जो आपने पीसी रॉय जी का जिक्र किया कि वो बंगाल में भाषण देंगे बंगाली में भाषण देंगे तब मैं वहां जाऊंगा, तो वाकई पीसी रॉय जी ने जो हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री की रचना की थी, और मैं खुद एक विज्ञान की अभी भी मैं अपनी छात्र ही कहूंगी, तो हम लोगों को बहुत कमी खलती है। और अभी भी जो CBCS में जो सिलेबस वगैरह पाठ्यक्रम बने हैं उसमें बहुत कम बदलाव आया, कुछ ऐसा बदलाव जिसकी हमें कामना थी उस तरह का बदलाव अभी नहीं आ पाया है। बट कहते हैं कि मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ओवर टू यू ऋतिक। हृदिक मैं बोलना चाह रहा था, हृदिक मैं जस्ट एक सवाल, रमेश जी से एक सवाल जस्ट। रमेश जी मैं जब ग्वाल हॉल में था तो मैं डेली आपसे मिलता था सुबह में वॉक करते हुए शैलेंद्र झा जी। सर मैं जस्ट एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि बार बार एंशिएंट इंडिया की बात होती है, मैं सहमत हूँ सर, मेडिवल इंडिया में आप संतों की बात की है, क्या मेडिवल इंडिया में जो तकनीकी प्रगति हुई, मेडिवल इंडिया में भी बहुत सारी चीजें हुई, अपभ्रंश आया, हमारी मैथिली आई, बहुत सारी भाषा आई, तो सर मेडिवल इंडिया के प्रोग्रेस को विकास को नजरअंदाज क्यों किया जाता है, चर्चा तक नहीं की जाती है, आपने संतों की चर्चा की हमें खुशी हुई है सर। देखिए ऐसा है कि आप एक किताब छपी है इंसा करके, एक ITOP संस्था है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी हमारे, मतलब मैं बहुत नजदीक उनके रहा DS कोठारी जी के, तो DS कोठारी जी हमारे राजघाट आते थे हमारे काका साहब कालियलकर के पास, तो वहाँ उन लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी किताब तैयार हुई, उसकी भूमिका में एडिटर लिखता है कि 150 BC के बाद पुष्यमित्र की हत्या के बाद भारत में विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला करना शुरू किया, शासन करना शुरू किया, कुषाण इत्यादि जो आएंगे, और उसके बाद से समाज में दो चीजें हुई। पहला काम यह हुआ कि सामंतवाद पैदा हुआ, जिसे हमारी आर्कियोलॉजी में आज तो समझेंगे इस चीज को, हम लोग कहते हैं छत्रप। छत्रप का एक कॉन्सेप्ट इन कुषाणवंशी राजाओं ने दिया। और दूसरा काम जो हुआ वो ये कि जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस तरह से भारतीय समाज की विभिन्न तकनीकी ज्ञान विज्ञान की परंपराओं को उसने समावेश किया था, उसको एड्रेस किया था कि खान ये है और ये मेटलर्जी है, सब सब्जेक्ट्स में कितना टैक्स क्या लगेगा, सब उसने मतलब पूरा एक वो इंसाइक्लोपीडिया है जो 300-400 BC का ग्रंथ है, तो वो किताब वो एडिटर लिखता है। दूसरा काम ये हुआ कि ये जो टेक्नोलॉजिकल आर्टिजंस थे, टेक्नोक्रेट्स थे इंडियन सोसाइटी के, इनको इन विदेशी शासकों ने राज्याश्रय देना बंद कर, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ये मिडिवल पीरियड की मतलब जो कहानी है
बीच में गुप्त काल आता है 200-250 साल का, 40-50 वर्ष का जो हर्षवर्धन का समय आता है जहाँ वो शक मुन को मार के भगा रहा है, उसके बाद फिर जो है भारत बृहत्तर भारत बनता है और साउथ ईस्ट एशिया में 7th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक वो पूरे थाईलैंड, श्याम, बैंकॉक, कंबोडिया यहाँ हिंदू राष्ट्र के रूप में विकसित होता है। मगर हिंदुस्तान के अंदर 11वीं शताब्दी के बाद मुसलमानों के आने के बाद जो धर्मशास्त्र के ग्रंथ थे, उन धर्मशास्त्र के ग्रंथों में जो ये मतलब ये मेरी अपनी मान्यता रिसर्च है मेरी अपनी कि 150 बीसी से लेके 1200 बीसी तक और 1200 बीसी से 18वीं शताब्दी तक अंग्रेजों के आने तक ये पूरा समय क्या था जिस समय में आपने दो काम गड़बड़ किए। एक तो इस ब्राह्मण समाज ने ज्ञान को अपने तक सीमित करना, क्योंकि ब्राह्मण का काम है ज्ञान की रक्षा करना। ब्राह्मणों ने अपने वैदिक ज्ञान विज्ञान, भारतीय ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित करने के लिए उसको कछुए की तरह अंदर समेटना शुरू कर दिया। वो बहिर्मुखी नहीं हुआ तो उस ज्ञान विज्ञान से जो आर्टिजन थे जो पहले ही मर रहे थे बेचारे राज्य के आश्रय के अभाव में, वो कमजोर होते चले गए। जब मैं इंडियन फिलोसफी में मीमांसा दर्शन पढ़ाता हूँ, विद्यार्थी हूँ मीमांसा फिलोसफी का, तो मीमांसा मतलब यानी वैदिक काल में त्रिवर्ण यज्ञ कर सकते हैं, वहां एक चौथे व्यक्ति का प्रसंग आता है रथकार, रथ को बनाने वाला, तो रथकार को यज्ञ करने का अधिकार दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? है वो उसकी नई टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। मध्यकाल में जो काम हुआ वो ये कि आपने उस आर्टिजन सोसाइटी को जो समाज को पूरा आधार देता है कारीगर समाज, उसको आपने दलित बना के अस्पृश्य बना दिया। इन संतों ने 12वीं शताब्दी से, जितने भी संत हुए हैं, चाहे आप शुरुआत कर लीजिए चैतन्य महाप्रभु से, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे नामदेव हो, चाहे वो अपने संत ज्ञानेश्वर हो, इन सभी संतों ने 800 साल तक दलितों और महिलाओं के धार्मिक आध्यात्मिक अधिकारों को लेकर, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर ही आंदोलन किया। मगर इन सब धर्मशास्त्रियों के, हिंदू धर्म के, सनातन धर्मियों के ठेकेदारों की वजह से उनका कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ। संप्रदाय बनते चले गए, रामानंद संप्रदाय बन गया, कबीर संप्रदाय बन गया, सिख धर्म बन गया, संप्रदाय बनते चले गए। मगर जो मूल विषय था कि जन्म के आधार पर ऊंच नीच नहीं होगा, लिंग के आधार पर आप सैंक्शंस नहीं करेंगे। गांधी यूज करता है दो शब्द, रूढ़ी और वहम। वहम धर्मशास्त्रों के, रूढ़ी आप ही कहते हैं कि स्त्री जो है मेंसेस के समय जो है इस चीज को नहीं छुएगी, उसको एक कोने में डाल दो, वो अस्पृश्य बन जाएगी 4-5 दिन के लिए। तो मैं उससे पूछता हूं कि जिस देवी माता की हम पूजा करते हैं वो जीवंत शक्ति है, क्या वो पीरियड्स में नहीं जाती होगी? तो आप वो 4 दिन ढूंढते हैं माँ की पूजा नहीं करने के लिए? मेरी जब शादी हुई तो मेरी पत्नी ने मुझे आके घर में कहा, हमारे नियम है कि शाम को ज्योत लगाती है घर की स्त्री, तो मेरी पत्नी ने कहा कि मैं पीरियड्स में हूँ, मैं ज्योत नहीं लगाऊंगी। मैंने कहा आप ज्योत अब खाना नहीं खाएंगी, आप सोएंगी नहीं, तो आपको कैसे नहीं, हमारे यहाँ परंपरा है, मेरे घर में सिखाया गया था पीरियड्स में तुम्हें ये काम नहीं करने, क्यों नहीं करने? तो इस तरह के बहम रूढ़ियां पागलपन आपने डाल के जो है शिक्षा नहीं देंगे। कई शंकराचार्य टाइप के लोग बोलते हैं क्या स्त्री ने वेद मंत्र बोला, अरे हमारे स्मृति मना किया। अरे मूर्ख, जिस वेद मंत्र को तू स्त्री द्वारा उच्चारण के लिए मना कर रहा है, इन वेद मंत्रों की रचयिता तो ऋषिकाएं हैं, तू भी जैसी ऋषिका है। तो इस तरह से आप समाज में जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के, आप अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग के
मार्टिन लूथर किंग ने गांधी के विचार पर आंदोलन किया, उसने एक अच्छा शब्द दिया है, ऋतिक तुम सुन लो इसे। उसने कहा गांधी का जो ट्रुथ है जिसे वो गॉड कहता है, उसके लिए एक ही शब्द है अंग्रेजी में, वो है जस्ट। जस्ट यानी न्याय, और न्याय ये है कि हम समाज में स्त्री है चाहे पुरुष है, दलित है या उच्च है या नीच है, कुछ भी है, हमारी मानव के रूप में जो एक प्रतिष्ठा है, डिग्निटी है, वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दैट। बस गांधी की फिलॉसफी का जो सेंटर पॉइंट है वो इंडिविजुअल है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इज अ सोसाइटी। और भारतीय समाज की जो अवनति मध्य काल में या अंग्रेजों के काल में खास करके हुई है वो ये है कि इन अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने भारतीय समाज को सिखाया वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थॉट, क्या इंडिविजुअल एंड स्टेट, व्यक्ति है और राज्य है, जबकि इंडियन ट्रेडिशन में इंडिविजुअल है सोसाइटी है, वी आर ऑल गवर्न बाय आवर सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस। पहले मेरी गली में जब कोई रिश्वतखोर आता था तो उसका सर झुका हुआ होता था, जब कोई जेल से आता था 6 महीने की जेल काट के तो वो सालों तक मुंह नहीं दिखाता था गली में या गांव में। पर आज इतने बेशर्म हम हो गए हैं कि रेप करके भी आते हैं तो छाती ऊंची करके सड़क पे निकलते हैं। यानी समाज का, सोसाइटी का जो कंट्रोल था इंडिविजुअल पर वो कमजोर हुआ है। इन लेफ्टिस्टों ने, इन लिबरल लोगों ने हमारी जो इंडियन ट्रेडिशंस थी उनको इस वेस्टर्न थॉट से नेस्तनाबूत कर दिया, जिसको रिवाइव करने की आवश्यकता। तो मध्यकाल में, मध्यकाल में जो हुआ वो ये हुआ कि आपने सारे ज्ञान विज्ञान को एक जाति तक सीमित कर दिया। इंडियन फिलॉसफी में जितनी डिटेल्ड और डेप्थ रिसर्च संस्कृत के पंडितों ने बनारस में और दक्षिण भारत में बैठ के करी, मगर सबने घर के अंदर बैठ के मंदिरों में बैठ के करी, समाज का उसको कोई फायदा नहीं था। समाज तो भारतीय भाषाओं में जी रहा था, चाहे अपभ्रंश हो, चाहे वो मैथिल हो, चाहे कन्नड़ हो, वो भाषाएं जिनको संत साहित्य ने राष्ट्र भाषा के रूप में स्थापित किया। तो आज समय है 21वीं सदी में भी हमको इन उन भारतीय भाषाओं को, जिसमें आम आदमी सांसें लेता है, सपने देखता है, अपने सपनों को पिरोता है, उन भाषाओं को इस नई शिक्षा नीति में जो एक सहारा देने का संकल्प लिया है, आइए हम सब लोग जो दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी या अध्यापक हैं, उन अपने नीति निर्धारकों को मजबूर करें कि वो इन भारतीय भाषाओं को गांधी के सपनों के अनुसार ज्ञान विज्ञान की भाषा बना करके गरीब से गरीब आम आदमी को इस विकास की धारा में शामिल करके उनको हम इस समाज के संचालन में भागीदार बनाए। नमस्कार। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। तुम्हारा माइक बंद है ऋतिक, ऋतिक का माइक बंद है। अच्छा, माफी चाहूंगा। हम कृतार्थ हुए कि आप यहाँ पे आए हैं और अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमारे स्वयं सेवक को टाइम, हमारे स्वयं सेवक को समय दिए। और एट लास्ट आई वांट टू कॉल भावना, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एनएसएस यूनिट, फॉर द थैंकिंग नोट। भावना, ओवर टू यू। मैं भावना पूरे एनएसएस यूनिट की ओर से हमारे आज के वक्ता प्रोफेसर रमेश सी भारद्वाज को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने आज गांधी जी जैसे महान आत्मा का जिक्र करते हुए न शिक्षा नीति पे प्रकाश डाला, साथ ही साथ में हमारे प्रचार्य डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी का धन्यवाद करूंगी, जो हमने सदैव
प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही हमारी प्रोग्राम ऑफिसर रूबी मैम का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमें हमेशा सपोर्ट करती हैं। और मैं अब हमारे जगपाल सर और आलोक सर और ब्रजमोहन सर को भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जो हमें हमेशा गाइड करते हैं। और अब मैं अंत में प्रोग्राम मॉडरेटर आशुतोष सर को भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ और हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स को और हमारे दोस्तों को धन्यवाद बोलना चाहूँगी, जिन्होंने इस वेबिनार को एक ग्रेट ग्रेट सक्सेस दी। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। नाउ वी आर बाय द एंड ऑफ द इवेंट। मे वी हैव डॉक्टर जगपाल सर फॉर द शांति मंत्र। जगपाल सर, इन द एंड वी विल स्विच ऑन द वीडियोस एंड वी विल टेक अ फोटोग्राफ। ओके, हां, एवरीवन प्रेजेंट हियर आई रिक्वेस्टेड टू प्लीज स्विच ऑन देयर वीडियोस। जगपाल जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, एम आई ऑडिबल? प्रतीक, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, यस सर। एक्चुअली अभी नेटवर्क लॉस्ट हो गया था, तो आपने मुझे कॉल किया है शांति मंत्र के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं, अभी एक फोटोग्राफ लेते हैं, उसके बाद शांति। हाँ ठीक है मैम, ठीक, ओके मैम। ठीक है, जयपाल जी शुरू कीजिए। आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर रूबी मैडम टू प्लीज कंटिन्यू, शायद उनके साथ। अच्छा, हेज बैक, हेज बैक। हाँ, जयपाल जी आगे थे तो मैं शांति मंत्र ले लूंगी। ठीक है, प्लीज मैम। आज थोड़ा सा परेशानी हुई है, नेटवर्क की हो रही है। आज जगपाल जी आप लीजिए। ओके मैम, शुड आई कंटिन्यू करूं मैम? यस सर, यस सर। ओके, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। थैंक यू ऋतिक, थैंक यू मैम। Thank you everyone, including our guest speaker and professors who joined us today. Let our guest speaker leave the meeting now. You are, then after you can leave the meeting. Thank you sir, thank you everyone. Yes, remaining people, now you can leave the meeting. Suman, we had provided the feedback link. We had provided in the beginning, by the end itself.
Everyone is requested to leave.